बिरयानी विद आलू बड़े वाला जो होता है, या बिरयानी विद चेस्ट पीस। तो कहे ना कि उसको बिरयानी में आलू पसंद है, उसके मुंह पे मारना। आलू तुम्हारे अंदर डाले। मेरे मुंह से गर्मी देख रहा है। अगर इस गर्मी से और महंगाई से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जिसका नाम है S9 गेमिंग ऐप। बहुत आपने सुना होगा, बहुत से लोग इसे पैसे भी कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, अन्य वाह पैसा कमा रहे हैं। S9 गेमिंग ऐप का जो मैंने लिंक दिया हुआ, आपने तीन काम करने हैं, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने पैसे कमाने शुरू कर देने। सिंपल बात, तीन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। या तो आप गेम खेल के पैसे कमा लो, ठीक है, गेमें खेलनी है आपने, कोई और काम नहीं करना। अपन वो वेले रहने के अलावा और काम की है, आप सिर्फ गेमें खेलनी है तो पैसे कमाने, गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं आप, नेटवर्किंग से पैसे कमा सकते हैं, और अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी अच्छी किस्मत चल रही है आपकी या बुरी किस्मत चल रही है। तो ये छोटा सा पैगाम आपके लिए, लिंक मैंने जो नीचे दिया है उसको आप डाउनलोड करें और पैसे कमाना शुरू करें। और हाँ, एक मजे की बात आपको बता दूँ, आप वीकली सैलरी भी ले सकते हैं इस एप्लीकेशन से। भाई आप गेम खेल रहे हैं, आपको सैलरी मिलेगी, सिंपल बता रहा हूँ मैं, सच में बता रहा हूँ। जल्दी जाओ, लिंक डाउनलोड करो, बाकी वीडियो देखो। आलू जो है, आलू कभी डाला है किसी को? आलू कभी डाला है किसी को? कहते ना पंजाबी चने, आलू पा आता मेरे। आलू तुम्हारे अंदर डाले। आलू ये आलू आप लो रही हैं, आप लो रही हैं। आलू है, ये आलू है। वो कराची वाले पहले ही कहते हैं कि लोहरियों को पता ही नहीं है बिरयानी क्या होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। पुलाव को बिरयानी कहते हैं या बहुत ज्यादा मिर्चों को बिरयानी कहते हैं? बहुत ज्यादा मिर्चों को बिरयानी कहते हैं। तलहा तलहा मुझे एक बात बताएं, कभी कितने जाके आलू पाया? नो। किसी काम में भी आलू नहीं डाला आपने? नो। अभी किसी ने कहा यार आलू पान आ गया? नो। आपको पसंद है आलू? नहीं। क्यों नहीं पसंद? इतना बड़ा आलू तो बिरयानी में होना चाहिए। आलू पसंद है, बिरयानी में नहीं पसंद। अच्छा, नहीं होना। आलू किसी के मुंह पे पड़ा हो वो पसंद है? जी, जो कहे ना कि उसको बिरयानी में आलू पसंद है, उसके मुंह पे मारना पसंद है। जिस किस्म के हमारे चिकन क्या कहते हैं महंगी हो रही है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को आलू तो डाल रहे हैं बिरयानी में, ऑब्वियसली। उनके पास तो लॉजिक है। हाँ, अब मेरे पापा तो टेस्ट की बात, मेरे पापा अंबानी नहीं है कि मैं चिकन खरीद के लेकर आऊंगी बार बार। लिया करो पर आलू मत डाल। आलू की कोई औकात नहीं है, जो आलू पेंदा है उसकी औकात होती है? नहीं, आलू नाल कर देने ने, साइड कर देने ने। आलू साइड ते कर देने ने। कानो आलू नहीं पसंद? पया होया भी नहीं पसंद? नहीं पया होया भी। किसी दे आलू पया होवे? नहीं नहीं, वो भी नहीं पसंद। वो भी नहीं पसंद। अच्छा चलो, आलू बिरयानी में पसंद है? हां है, वो बड़े वाला आलू। हां, छोटे-छोटे कहते हैं कराची वाले, कहते हैं लोहरियों को बिरयानी छोटे, तो वो आलू वाले चावल हो जाएंगे। हां, आलू वाले चावल कहां से जाते हैं? छोटे-छोटे वो बिरयानी में तो एक ही आलू होता है, इतना बड़ा वो तो कराची वाले डालते हैं, इतने में आलू तुम मोटी डालते हो। तुम बड़े डालते हो आलू। ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे मैंने दिया हुआ है, उसमें भी आलू डाल भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ एक कराची वाली है ना जो इतना बड़ा आलू देती है साथ, अच्छा लगता है आलू। किसकी वजह से जो क्वांटिटी है राइस की, हाँ, वो कम हो जाती है। हमारे लाहौर का मकसद ये है आलू डालने का, कि चावल कम हो जाए। अच्छा, आपको लगा कभी लोहरियों ने आलू डाला हो कहीं जाके, मतलब कोई ऐसा महाज उन्होंने किया हो? सर होते रहते हैं, कोई एक बताए ना, मजा है किसी तरफ नहीं। में जो मिल जाए वही सही है। ये बात है, चाहे आलू हो चाहे गोश्त हो, टेस्ट वही आता है। कभी आलू नहीं पाया? नहीं, कभी पाया भी नहीं, कभी भी नहीं। चावलों के साथ ही मजा लगता है। कराची वाले ये कहते हैं, कराची वाले ये कहते हैं कि लोहरियों को ना बिरयानी का पता ही नहीं, बस आलू डालो चावल डालो, बस उनको यही बिरयानी उनके लिए बहुत है। क्या ये सच है? अच्छा, मेरा ख्याल सच है। मैं लाहौर से हूँ, मैं कराची को ज़्यादा को जानता हूँ, ये बात सच है। कराची की बिरयानी अच्छी होती है, अच्छी होती लाहौर से, अच्छी होती है। हाँ, सिंधी बिरयानी। हाँ, सिंधी बिरयानी वो तो बहुत स्पाइसी होती है ना यार। हाँ, स्पाइसी और मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। वो कहते हैं कि यार वो जो सिंधी बिरयानी है ना, वो जो सिंधी बिरयानी है उसको मेकअप लगा के नहीं खाना चाहिए। क्या ये सच है? मैंने कभी नहीं सुना, मैंने अभी सुना। ना खाना।